ये देखिए दोस्तों कैसा खतरनाक, साथ में एक मखना आती दिख गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, और मैं आपका दोस्त अभिषेक कुमार, और आप देख रहे हैं अभी ब्लॉग जोन। हम इस समय सुंदरखाल विलेज में, और इधर की साइड हो रही है जबरदस्त बारिश। आप देख सकते हैं इधर की साइड बारिश काफ़ी तेज होते हुए। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं आपको इस बारिश में जंगल का क्या माहौल बना हुआ है। तो आपको लेके चलते हैं सुंदरखाल विलेज से बड़े पनोत नाले की ओर। ये देखिए बारिश काफ़ी तेज हो रखी है। तो दोस्तों निकल के जाएंगे यहाँ से बड़े पनोत नाले की ओर तक, और देखते हैं कि इधर की साइड कैसा पानी आया हुआ है, और वाइल्ड लाइफ की शाम के वक्त क्या मूवमेंट दिखाई देती है। थोड़ी ऊंची करो, ऊंची ऊंची। तो दोस्तों इस बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि ब्लॉग बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये देखिए हम आ चुके हैं बड़े पनोत नाले की ओर तक, और इधर की साइड अक्सर शाम के वक्त टाइगर और लेपर्ड की रहती है ज़बरदस्त मूवमेंट। लाओ मुझे स्टार्ट कर लिया। ये देखिए दोस्तों इधर की साइड तगड़ी मूवमेंट रहती है, और सामने की साइड चल रहा है पुल का जबरदस्त काम, और आसपास कोई भी आवाजाही नहीं है। दोस्तों समय हो चुका है 5:30, यहाँ पुल का काम चल रहा था, वो बारिश के कारण फिलहाल बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं सामने का दृश्य, और आगे की तरफ दोस्तों एक रास्ता है, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी फ्लो के साथ वहाँ पे पानी आ रहा है। ये देखिए दोस्तों आप सामने, अभी आपको रुक के दिखाते हैं पानी का फ्लो कितना तेज़ है, और सामने की तरफ है तो टाइगर ट्रैफिक का बोर्ड। तो दोस्तों इधर की साइड आप देख सकते हैं कैसा बरसातों में ज़रा देर में ही ज़बरदस्त पानी आ जाता है। ये देखिए, और पहाड़ों से आ रहा है कुछ भयंकर पानी। ये देखिए ये जो गंदा पानी है और मटीला, ये ही लाता है अपने साथ बहा के मिट्टी। ये देखिए कुछ गाड़ियां पार होती हुई, जो कि काफ़ी दिक्कत का सामना हो रहा है। ये देखिए तो दोस्तों पानी का बहाव काफ़ी तेज हो चुका है, तो देखते हैं आगे की साइड जाएं या नहीं। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर, और आ रखा है काफ़ी तेज रफ्ता। ये देखिए पहले इन्हें देखते हैं। तो दोस्तों अभी रुक के कुछ देर देखते हैं कि ये बाइक वाले पार कर पाते हैं या नहीं, तभी हम भी आगे निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए देखते हैं अगर बाइक, ये देखिए पानी का फ्लो काफ़ी तेज निकालते नहीं निकालते फिर हम भी कोशिश होता जा रहा है। ये देखिए ये पानी अभी यहाँ तक था, और अब पानी काफ़ी बढ़ चुका है। यार वापस चलने में फायदा, पानी का फ्लो बहुत तेज हो चुका है दोस्तों। पानी का फ्लो यहाँ से घुसा आ चुका है, आप देख सकते हैं बढ़ता जा रहा है। चलो तुम बोलो, तो अभी देखते हैं कि आगे जाएं या नहीं। ये है कोर टाइगर टेरिटरी, और यहाँ कहीं भी आपको टाइगर या लेपर्ड की मूवमेंट भी दिख सकती है। नीचे उतरे का वो तो ले जाऊंगा मैं यहाँ से, पर दिक्कत ये है वापसी की दिक्कत है भाई, पता लगे फंस जाए शाम का वक्त है। तो दोस्तों अभी देखते हैं अगर ये बाइक वाले पार करेंगे तो हम भी निकालते हैं, वरना चलेंगे वापस सुंदरखाल विलेज की ओर। यूके बस वहाँ से आगे जाएंगे, हम तो यहीं रुके। ये देख रहा हूँ अगर बना दिए तो वहाँ बनाऊंगा।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू बताइए, ओके चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। ठीक है आराम से आना, आप भी लोग हैं ठीक है ठीक है, आते भी चलो। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए पानी का बहाव कितनी तेज है, ये देखिए दोस्तों। और आगे की साइड अपडेट मिली है कि आगे की साइड हाथी भी है। जवार जवार देखो दोस्तों, खान निकल दो, आप देख सकते हो सामने पूरा पानी भर चुका है इस समय बड़े प्रोन डाले का, आप देख सकते हैं दोस्तों। रोड किनारे खड़ा है, चलते हैं आगे की ओर। बड़ी ऊंची रखी है। तो दोस्तों आगे की अपडेट है कि आगे की साइड धनगढ़ी नाले पे काफी तेज पानी आया हुआ है। तो चलेंगे और देखेंगे कि आगे की साइड क्या व्यू देखने को मिलता है। और रोड किनारे ही एक एलिफेंट की मूवमेंट भी दिखाई दे रही है। ये देखिए दोस्तों, मैं इधर सामने आते कहाँ है, सामने सामने, हाँ हाँ पीछे रहना, पीछे रहना, हाँ हाँ पीछे ही हूँ यार। दोस्तों फाइनली हमें एलिफेंट के मूवमेंट, ये देखिए दोस्त सामने, आप देख सकते हैं दोस्तों जस्ट हमारे सामने खड़ा है। मेरे को दूरी बना के रखो ना। देखिए दोस्तों सामने की तरफ एलिफेंट आप देख सकते हैं, धनगढ़ी गेट से पहले दोस्तों काफी बड़ा एलिफेंट है। देखिए दोस्तों इधर की साइड बरसात में एक मखना हाथी दिख गया, और जो कि एक घास का ग्रासलैंड में लेता हुआ आनंद, क्योंकि ये जगह जो है ये है धनगढ़ी गेट से कुछ पहले का व्यू, और ये हो सकता काफी खतरनाक क्योंकि अक्सर यही हाथी कर देते हैं हमला। ये देखिए दोस्तों काफी बड़ा और ह्यूज साइज का एलिफेंट दिखाई दे रहा है। ये देखिए कुछ और जूम करके दिखाता हूँ आपको, और ये है हाथी प्रभावित क्षेत्र, यहाँ अक्सर आपको एलिफेंट की तगड़ी मूवमेंट दिख जाएगी। ये देखिए ये काफी उम्रदार लग रहा है, काफी उम्रदार लग रहा है दोस्तों, हाथी मखना हाथी है, और अभी है। तो चलते हैं आगे की ओर। अबे क्या करें बहुत तेज हो गए, आप देख सकते हैं उम्र बने जिम को बैठ कर। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर, थोड़ी सी ऊपर छतरी। ये देखिए तो बारिश और ज़्यादा खतरनाक होती है। अबे क्या हो गया भाई, बारिश बहुत खतरनाक हो रही है आप देख सकते हैं सामने, और अभी फिलहाल हमारी गाड़ी बंद हो चुकी है। अबे ये तो गड़बड़ कर देगी यार। ये देखिए दोस्तों कैसा खतरनाक